सो हेलो एवरीबॉडी, कहते हैं आप सब आइयो पच्चे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। यह है यमुनानगर जगाधरी रोड, जो कि ये नेशनल हाईवे है दोस्तों। ये जगाधरी से और अंबाला के लिए जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन आज मैं आप सभी को देने वाला हूं पहली बार, जिसमें से ये रोड निकल रही है जगाधरी यमुनानगर के लिए जाला, और ये हाईवे निकल रहा है दोस्तों। देख सकते हो अभी इसके पियर तो बन गए हैं, पियर कैप का काम किया जा रहा है, और पियर कैप बन जाने के बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। और आगे जैसे इधर उधर देखेंगे तो इसमें आरी पैनल को लगा देने के बाद में दोस्तों अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। यही काम चल रहा है अभी इस टाइम पे इस ये नेशनल हाईवे पे दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट दिया जाए, और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो आप सभी केपी संत के चैनल पर, जो कि केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देख सकते हो कि मैं अब दूसरी रोड के साइड आ चुका हूँ। ये दूसरी रोड आ चुकी है जिसमें पैरा फिटबॉल लगा दिए जाएंगे। इधर अभी काम बचा हुआ है, पहले तो इसके ये बनाए जाएंगे पियर कैप। तो बस आप लोग बने रहो। देखो किस तरीके से हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये सारे में ही देखो आरी पैनल को लगा दिया जा चुका है, उसके बाद में देखो ये कंपोजर लगा दिया है, कंपोजर लगाया गया है ताकि ये पानी अंदर ना सके और मिट्टी ना बैठे, इसी वजह से कंपोजर लगाया जाता है। और इस आरी पैनल को रोकने के लिए इन छेदों में बेल्ट का काम किया जाता है। बेल्ट मतलब बेल्ट फंसाएंगे, रोकेंगे इसको आरी पैनल को, ताकि ये उधर ना भाग जाए प्रेशर की वजह से। तो ये काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग, ये निर्माण चल रहा है इस तरीके से। देखो सारे ही पियर बन चुके हैं, इस पर पियर कैप का काम हो चुका, बीच वाला पियर कैप बचा हुआ है जिस पर देखो सेटिंग भी लगा दी, और सरियों का जाल भी बन गया है। बस इसमें अब कंक्रीट की मदद से कंक्रीट मिक्सचर इसमें भर दिया जाएगा, बस ये पियर बनके कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर ये काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यही छोटा सा अपडेट है, और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज आप सभी देख सकते हो दोस्तों कि दोनों साइड में ही अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि इस पर अभी
अर्थवर्क का काम किया जा रहा है और इस पर रोरी बजरी की लेयर डाली जा रही है, कहीं कहीं इस पर पुलिया बनाई जा रही है, कहीं कहीं इस पर एक थोड़ी सी कैनाल जा रही है, उस पर भी दोस्तों ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। जो पुराना ब्रिज था वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, सारा टूटा पड़ा है, वो आप लोगों को देखो, वो सामने क्रेन मशीन लग रही है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो। ये सारा ब्रिज जर्जर हो चुका है ये वाला, इसलिए यहाँ पर एक नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जो मशीनें लगी हुई हैं क्रेन मशीनें, पहले इसका फाउंडेशन बनाते हैं गोल गोल, उसके बाद में ये मिट्टी निकालते हैं अंदर से और फिर इसमें पिलर बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में। अभी तो काफ़ी सारा काम है लेकिन ये 2026 में जाकर ये कम्प्लीट हो जाएगा, हो पाएगा बन के। तो ये जा रहा है सीधा दोस्तों कहाँ पर, ये जो तुम्हारा हथनी कुंड बैराज है वहाँ के लिए, ये हाईवे, और वहीं से ये आ रहा है और ये जा रहा है अम्बाला के लिए। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देखा करो दोस्तों। देख सकते हो आप सभी के दोनों साइडों में ही अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है और रोरी बजरी की भी लेयर डाल चुकी है मेरे राइट हैंड पर। इधर देखो ये क्रेन मशीन चल रही है जो कि मिट्टी को डाल रही है, और मेरे राइट हैंड पर तो दोस्तों रोरी बजरी की लेयर को भी डाल दिया जा चुका है, देख सकते हो DBM की लेयर को डाल दिया जा चुका है। अब इस पर फाइनल फिनिशिंग का काम किया जाएगा, वो नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो बने रहो एंड तक दोस्तों, अभी और कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलते आगे और दिखाते चल के आप सभी को। अब आप एक चीज़ देखो दोस्तों कि इस पर पियर कैप भी बन गए हैं और इस पर गाटर लॉन्चिंग भी कर दी गई है। अब दोनों साइड के रैंप बनाए जाएंगे जो कि अभी नहीं बनाए गए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें। देखो अभी इस एक्सप्रेस वे में बनने में टाइम लगेगा दोस्तों, इस हाईवे को, 4 लेन का ये हाईवे है दोस्तों, 2 लेन ईस्ट साइड। तो देखो अभी काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, कहीं अर्थवर्क चल रहा है, कहीं इस पर DBM की लेयर डाल दी जा चुकी है, कहीं ब्लैक टॉप हो चुका है, तो अभी यही काम चल रहा है। और देखो दोस्तों ये आ चुका है अम्बाला यमुनानगर, कहाँ, देहरादून एक्सप्रेसवे, जिस पे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी बनाया जा रहा है दोस्तों। देखो ये इंटरचेंज का ही है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, और यहाँ से दोस्तों सहारनपुर का ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है इस पर यमुनानगर अम्बाला हाईवे पर दोस्तों, देखो आप लोग। तो इस पर सारे में गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, इसका फुल अपडेट देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखो आप सभी। नए अपडेट्स देखने के लिए केपी संत के चैनल पर, दो यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, और टोल प्लाजा इसलिए बनाया जा रहा है कि यमुनानगर अम्बाला हाईवे को क्रॉस करके और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी।